हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं और अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, या फिर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम पेट्रोल टैंक से, अपनी गाड़ी के पेट्रोल टैंक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और गाड़ी चलाते वक्त भी हम अपने पेट्रोल टैंक में क्या हम जो है वो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहली बात कि जब हम एक थोड़ा सा बहुत मिथ है कि बहुत सारे आप चीज़ यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे या कहीं भी पढ़ा होगा कि गाड़ी हमें पेट्रोल टैंक फुल करा के चलाना चाहिए, या आपका खाली हो तो क्या प्रॉब्लम है, या आपका पूरा फिल हो तो उससे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपका टैंक पूरा फुल है, अगर आप पूरा टैंक फुल करवाते हैं तो शायद आपने सुना होगा, कई जगह आपने पढ़ा भी होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि टैंक फुल हो तो ब्लास्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर आपका टैंक फुल होगा तो उसमें जो फ्यूल है वो फ्यूल टैंक में पूरा होगा, मतलब फुल स्पेस उसने कवर किया होगा। तो एयर का जो एयर के लिए जो फ्यूल टैंक में स्पेस होगा वो बहुत कम होगा। अगर आपका फ्यूल टैंक फुल होगा तो इवेपोरेशन, या जिसको कंडेंसेशन भी हम बोलते हैं, वो बहुत कम होगी। और कंडेंसेशन वजह की होने की वजह से जो आपका फ्यूल का जो कंडेंसेशन कम होने की वजह से जो जिसको हम हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हैं वो भी कम होगा। और जो रही बात ब्लास्ट होने की, तो चांसेस उसके बिल्कुल कम हो जाते हैं। इसके अपोजिट अगर बात करूं कि आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है, आपके फ्यूल टैंक में आपका वार्निंग इंडिकेटर आ रहा है और फिर भी आप चलाए जा रहे हैं, तो आपको बता दूं मैं थोड़ा सा एक कि लगभग जो इंडियन कार्स हैं लगभग 40 से 60 किलोमीटर तक जो है जब आपका वार्निंग लाइट आता है तो उसके बाद 40 to 60 किलोमीटर तक जो है वो आप गाड़ी चला सकते हैं। बट हाँ, उस कंडीशन में गाड़ी चलाना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, मीन्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज हमारी गाड़ी में फ्यूल लेवल बहुत कम होता है, हमारी टैंक में फ्यूल लेवल बहुत कम है। अगर आपका टैंक इतना है, फ्यूल लेवल इतना है, तो क्या होगा, बाकी का जो स्पेस है उसमें कम्प्लीटली एयर होगी, और एयर होने की वजह से एक तो उसमें कंडेंसेशन बहुत जल्दी होगी, जो इवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा तेल ड्यू टू एयर, और दूसरा कि जैसे अगर आपकी गाड़ी में तेल की क्वांटिटी कम है तो तेल की क्वांटिटी कम होने की वजह से जो आपका फ्यूल पंप है गाड़ी के अंदर उस पर काफ़ी नुकसान पड़ता है, उसको काफ़ी नुकसान होता है। कैसे, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है और आप मैंने जैसे पहले कहा कि उसमें एयर ज़्यादा है, फ्यूल कम है टैंक के अंदर, तो जैसे ही आप गाड़ी चला रहे हो और फ्यूल पंप अपना काम कर रहा है, वो सक्शन कर रहा है, टैंक से फ्यूल ले रहा है और आगे दे रहा है, बट अगर टैंक में फ्यूल की मात्रा उतनी है ही नहीं और उसमें एयर है, तो फ्यूल पंप क्या करता है, उस फ्यूल होगा नहीं तो एयर को ही सक करता रहता है, और एयर सक होने से वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने से जो है वो उसका वियर टेयर शुरू हो जाती है फ्यूल पंप के अंदर, जो पार्ट्स हैं वियर एंड टेयर शुरू हो जाती है। एक और बात इम्पॉर्टेंट बात कि जो फ्यूल पंप के अंदर जो हमारा जब फ्यूल पास होता है तो वो कूलेंट का काम भी करता है। अब जब फ्यूल ही नहीं जाएगा उसमें से तो कूलेंट कहाँ से, कूलिंग का काम कहाँ से करेगा, और अगर कूलिंग का काम नहीं होगा तो मीन्स वेयर एंड टीयर जो है वो शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये था कि हमको फ्यूल पंप हमारा जो सॉरी फ्यूल टैंक है वो हमें लगभग जो है वो आधे बिलो, मतलब जो हमारा आधा टैंक है उससे ज़्यादा ही रखना चाहिए, या आप उसको फुल रख सकते हैं। हाँ, जैसे आप कई बार ट्रिप पे डालते हैं जो हमारा पेट्रोल पंप का जो नोजल होता है, तो उसको ट्रिप, जैसे ही वो ट्रिप लग गया उसके बाद अब उसको और दोबारा फिल मत करा दें कि हाँ चल 50 रुपये का और डाल दे, 100 रुपये का और डाल दे, वो चीज़ गलत हो जाती है, तो आप वो चीज़ ना करें। ओके, सेकेंडली जब हम पेट्रोल पंप पे फ्यूल भरवाते हैं तो मेक श्योर कि वहाँ पे फ्यूल जो टैंकर है उस टाइम पे जो अंडरग्राउंड टैंक होते हैं उनको फिल ना कर रहा हो, क्योंकि क्या होता है कि वो स्टेयरिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो टैंक से जो ट्रक से फ्यूल जो होता है वो ग्राउंड में जाता है और वो स्टेयर करता रहता है, तो जिस जो फ्यूल टैंक में जो सबसे बेस जो लेयर होती है वहाँ पे जो जो भी हमारे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है उस टाइम पे पूरे फ्यूल में मिले हुए होते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे फ्यूल भरवाते हो तो क्या होता है कि वो फ्यूल पार्टिकल्स जो हैं वो निकल कर आपके पेट्रोल टैंक तक जो है वो आ जाते हैं, और पेट्रोल टैंक में आएंगे और वो जब आप गाड़ी चलाओगे तो वो थ्रू फ्यूल लाइंस, फ्यूल फिल्टर के थ्रू आपके इंजन तक आएंगे, और अगर नहीं भी आए तो आपके फ्यूल फिल्टर तक आएंगे, फ्यूल फिल्टर उसको पूरी तरह फिल्टर नहीं कर पाएगा, पार्टिकल्स फ्यूल फिल्टर में फंस जाएंगे, हो सकता है आपका फ्यूल फिल्टर क्लॉग हो जाए, जम जाए,
और अगर फिर भी अगर वहाँ से पार्टिकल्स निकल गए इन केस, तो वो इंजन में जाएंगे और इंजन में आपको पता है फिर अगर फ्यूल की जगह फ्यूल पार्टिकल साथ में गए तो इंजन को सीवियर डैमेज हो सकता है। तो ये दो चीज़ें थी कि एक टैंक आपको हाफ फुल रखना चाहिए या लो रखना चाहिए, और दूसरा क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट कि जब आप फ्यूल भरवाते हो तो आप कोशिश करें कि आप आफ्टर इवनिंग, जैसे नाइट रात का समय है या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग भरवाएं, क्योंकि उस टाइम पे जो फ्यूल होता है वो काफ़ी डेंस होता है, फ्यूल काफ़ी डेंस होता है, तो उस टाइम पे फ्यूल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा आती है। गर्मी में फ्यूल की डेंसिटी कम हो जाती है और वो फ्यूल की क्वांटिटी कम आती है, तो आप मेक श्योर कि आप लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर हो डे में उसी टाइम आप अपना फ्यूल भरवाएं। ओके, तो ये थी दो तीन कुछ एक पॉइंट्स जो आपको फ्यूल आप और अपने टैंक से रिलेटेड जो है वो आपको जानकारी शायद होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें, और थैंक यू सो मच। थैंक यू।